हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का वॉइस चैप्टर को पढ़ाएंगे। बच्चों, वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। अगर आप वाच्य चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आपको यहाँ इंग्लिश में समझने के लिए और इजी हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप वाच्य चैप्टर को नहीं जानते हो तो मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं वाच्य और वाच्य बदलने का एकदम आसान ट्रिक, तो उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसमें आपको इंग्लिश में वॉइस को समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, वाच्य क्या होता है? जब कोई वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव प्रधान होता है तो उसे हम वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। लेकिन इंग्लिश में जो होता है इसमें वाच्य दो प्रकार के ही होते हैं, एक एक्टिव वॉइस जिसको हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं और दूसरा पैसिव वॉइस जिसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वॉइस जान लेते हैं कि ये क्या होता है, उसका डेफिनेशन को जान लेते हैं, ठीक है। वॉइस इज वाट describes the relationship between the subject and the verb that expresses an action. इसका मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसा काम हो जो वाक्य में हो रहा है, उस काम को बताने वाली जो verb के साथ वाक्य के जो subject का जो relationship रहता है उसे हम voice कहते हैं, ठीक है। तो ये voice जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट खुद काम करता है, ठीक है, अगर कोई वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो जब स्वयं काम करता है, खुद काम करता है, तो उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपने इंग्लिश में पढ़े ही होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? उद्देश्य, और एक सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, दोनों का ही मीनिंग होता है। तो जब कोई वाक्य में आप देखोगे कि कर्ता स्वयं काम कर रहा है तब वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, देखिए। सोहन टोल्ड अ स्टोरी, ठीक है। मतलब यहाँ पर सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और टोल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया, और स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर यानी सोहन क्या कर रहा? स्टोरी बोल रहा है। सोहन डायरेक्ट सोहन काम कर रहा है, स्टोरी बोलने का काम कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है, इसलिए ये हो गया एक्टिव वॉइस। और एक एग्जांपल देखिए, राम ईट्स अ मैंगो। तो यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। और अब मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर राम खा रहा है, मैंगो खा रहा है, तो डायरेक्ट काम हो रहा है, सब्जेक्ट डायरेक्ट काम को कर रहा है। आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पर जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जब खुद काम करेगा तब वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, इसलिए राम ईट्स अ मैंगो क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब इसी में अगर हो जाता क्या, मैंगो इज ईटन बाय राम, तब वो क्या हो जाता? पैसिव वॉइस। तो चलिए हम आपको पैसिव वॉइस को समझा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पैसिव वॉइस, इफ द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द एक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो सब्जेक्ट है वो स्वयं काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। द एक्शन इज डन बाई समवन एल्स, ये वन एक ही साथ हो जाएगा, समवन एल्स, यानी वो खुद काम नहीं करके कार्य करने वाला कोई और होगा। द वर्ब इज
से टू बी इन द पैसिव वॉइस, उसी को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं, मोहन वाज इनवाइटेड बाय रोहन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा, मोहन को रोहन के द्वारा इनवाइटेड किया गया, यानी यहाँ पर मोहन जो है वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मोहन इनवाइटेड नहीं कर रहा है, बल्कि मोहन को रोहन के द्वारा इनवाइटेड किया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के बदले कोई दूसरा काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो आपको याद रखने वाला बात क्या हो जाएगा, है ना, इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, याद रखें, क्या याद रखेंगे आप, देख लीजिए आपको क्या याद रखने बोल रहे हैं हम, कि पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कार्य, कार्य करता हो, कार्य मतलब काम, जब सब्जेक्ट काम करता है तब वो क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्लियर। ठीक है, जब सब्जेक्ट खुद काम करेगा तब वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। और सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बदले, सब्जेक्ट के बदले कोई दूसरा कार्य करता हो, यानी काम करता हो, कार्य करता, इसको आपको एकदम याद रख लेना है, वो हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के साथ इसको एकदम समझा देंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस होगा और उसको जब आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, रोहन, रोहन राइड्स, राइड्स अ लेटर, लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोहन, रोहन क्या है, सब्जेक्ट हो गया, रोहन सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये राइट्स, राइट्स क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है। और अ लेटर, अ लेटर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया है, तो ये इसका मतलब ये हो गया एक्टिव वॉइस। बात समझ में आया, क्योंकि रोहन राइट्स अ लेटर, लेटर कौन लिख रहा है, रोहन लिख रहा है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बदले बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का जगह यहाँ पर आ जाएगा, अब वर्ब वर्ब की जगह ही रहेगा, प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में बदलना है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जगह में सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको ये सब्जेक्ट का जगह में लिखना है, पैसिव बनाते समय ध्यान दीजिए, अ लेटर, अ लेटर इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने होगा, ये रूल्स कहता है। ठीक है, माने एक्टिव से पैसिव बदलने का नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, और फिर सेंटेंस के अंत में जो
बाई देने होगा, आपको अंत में बाई देने होगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब को जो प्रेजेंट में रहेगा उसको पास्ट में बदलने होगा, ठीक है। और एम इज आर वाज वेर वो क्या करने होगा, आपको वर्ब के आगे, मेन वर्ब के आगे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इतना ही तो नियम है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएं, आ लेटर लिखें, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज रिटेन, रिटेन, ठीक है, प्रेजेंट में है उसको पास्ट में लाने होगा, कर दिए। और उसके बाद क्या करने होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको बाय देके लिखने होगा, रोहन है तो लिख देंगे बाय, बाय रोहन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अ लेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट जो पहले था एक्टिव वॉइस में, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ये है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, क्लियर। देखिए इसको समझने का एकदम आसान तरीका फिर से हम बता रहे हैं, एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, जब इसको पैसिव में बदलेंगे तब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट का जगह में लिखने होगा, अ लेटर लिख दिए हम, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, इज रिटेन, एन होगा, ठीक है, रिटेन, इज रिटेन हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद मेन वर्ब को लिखे, प्रेजेंट को पास्ट कर दिए हैं, और फिर बाई रोहन, बाई रोहन, बाई देखे रोहन कर दिए हम, क्लियर हो गया। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह आ गया, और यहाँ पर जो वर्ब है वो वर्ब का जगह ही रहेगा मेन वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन यहाँ लगाने पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख दिए हैं वर्ब को, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चल जाएगा ऑब्जेक्ट का जगह में, क्लियर। बस इतना ही तो इसका फंडा है समझने का, ठीक है, इतना ही तो इसको करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले लिख लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर इसको जो वर्ब है उसको लिख देना है, प्रेजेंट को पास्ट बना देना है, और यहाँ पर बाई देके इसको सब्जेक्ट को लिख देना है ऑब्जेक्ट का जगह में, क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल लेके आपको हम एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाते हैं, ठीक है। एक एक्टिव वॉइस का हम एग्जांपल लेते हैं और एकदम आपको क्लियर कर दे रहे, ये एक्टिव वॉइस, ठीक है, यहाँ एक्टिव वॉइस रहेगा और यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते, आई राइट अ लेटर, लेटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको क्या बोले थे, जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिखने होगा सब्जेक्ट का जगह, तो लिख दीजिए अ लेटर, अ लेटर, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए इज, ठीक है, राइट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो गया, ठीक है। और आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, बाय मी, बाय मी, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, ठीक है। और उसको क्या करने होगा, पास्ट पार्टिसिपल में बदलने होगा, इसलिए आई बन गया मी, ठीक है, इसका तो आपको पता ही होगा। आई बनेगा मी, वी बनेगा आश, यू यू रहेगा, ही बनेगा हीम, सी बनेगा हार, इट इटी रहेगा, और दे बनेगा देम, इसका तो रूल्स आपको जानने ही होगा, तभी आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर
आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।